आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हमारा सेकंड ब्लॉग है, तो आज हम ऊपर आए हैं अपनी छत पे, देखते हैं परिंदों की क्या अपडेट है। सुबह खाना वगैरह डाल दिया था मैंने। तो यार कॉकटेल हमारा जो मैंने आपको कल बताया था, अपने अंडे के ऊपर बैठ नहीं रहे। उसकी वजह यही है कि अभी ये फर्टाइल तो है एक, लेकिन अब बैठ नहीं रही, तो चांस नहीं है बच्चा निकलने का, कंफर्म हूँ मैं अभी। हालांकि इन्हें बैठना चाहिए, अब बैठ नहीं रहे। इसकी वजह यही है, अंडे मैंने शार्ट कर दिए एक दो, जिसकी वजह से ये लोग बैठ नहीं रहे। तो देखते हैं हमारी मुर्गियों ने आज अंडा दिया है या नहीं दिया। अफसोस, ओए अंडे क्यों नहीं दे रही तुम हैं? नहीं देंगी, इसमें छोटी मुर्गियाँ ना, ये इसमें सिर्फ एक मुर्गी बड़ी है, ये वाली ब्लैक वाली, तो यही अंडे देती है मतलब के। चले, और मैंने आपको कल कहा था कि मैं आप लोगों को एक सेटअप और दिखाऊंगा, तो वो सेटअप भी आपको दिखाते हैं। अभी चलते हैं थोड़ी देर तक उनके पास, उनका सेटअप देखते हैं। तो मैंने सोचा सेटअप पर जाने से पहले मुर्गियों को खाना डाल लिया जाए, तो थोड़ी देर बाद मैंने ऊपर आके देखा मुर्गी ने हमारी अंडा दिया हुआ है। तो अब हम मुर्गियों को खाना डालते हैं। पहले तो ये अंडा हम कर लेते हैं कलेक्ट, और इस अंडे को हम इधर रख देते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है एक दो मरतबा अंडे मैंने उठा के इधर रखे हैं, तो कौवा वहाँ बैठ के देख रहा होता है अंडा यहाँ रखा था मैंने, उठा के ले जाता है अंडा। अब मैं ऊपर आया हूँ तो कौवे को पता लग जाएगा मैं ऊपर आ गया हूँ। अक्सर कभी इधर बैठ जाता है, कभी इधर बैठ जाता है, तो बैठ के वो देखता रहता है, जैसे ही मौका मिलता है अंडा उठा के भाग जाता है। हम अपनी मुर्गियों को खाना डाल लेते हैं। ये मुर्गियों का खाना जो घर का वेस्टेज होता है ये वो खा लेती हैं, इससे फिर ये चीज़ें ज़ाया भी नहीं जाती हैं, और चलो काम भी आ जाती हैं, और बदले में अंडा भी आ जाता है। और तो अब हम अपने मोरों को भी चावल और खीरे जो मैंने इनके लिए रखे थे थोड़े से, जब भी मैं डालता हूँ खाना तो ये बर्तन हमेशा मिट्टी में भर देते हैं, खाते हैं इधर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम सेटअप पर जाएंगे, वो सेटअप एक्चुअली मेरे भाई का ही है, तो वो साथ ही मतलब के सामने दरवाज़ा देख रहे हैं आप, इसके साथ ही मतलब के भाई का सेटअप है, तो हम चलते हैं भाई के पास उनका सेटअप देखने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई के पास सेटअप देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो नुमान भाई? ठीक हो? ये व्यूअर्स आप देखिए मेरे भाई के सेटअप, इन्होंने असील का शौक किया हुआ है, तो हमने सोचा आपको भी दिखाते हैं, शौक कराते हैं आपको। तो अब हमें दिखाएं कि अपने सेटअप पे सबसे अनोखी चीज़ दिखाएं, जो आपके समझते हैं कि आपके पास अच्छी चीज़ है और बेस्ट चीज़ है क्वालिटी के अंदर, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चीज़ आपको लगता है कि यूनिक है वो असील के अंदर। ये है लसानी, ये लसानी बची है, और ये भी मियाँ वाली है, ये बड़े ज़बरदस्त हैं, ये दो नर हैं इनमें जी। ये मादी है, ये भी मादी है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत एक्टिव बच्चे हैं ये माशाल्लाह, और ये तो अलग ही गया सारों से। ये लसानी है ना, ये नसल, ये जैसे कश्मीरी मुर्गा कहलाता है, कश्मीरी नस्ल होती है। अच्छा, तो ये क्रॉस है, ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल है, लेकिन ये दो नस्लों में क्रॉस है, मियाँ वाली और सिंधी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये हर आपके बॉक्स के अंदर मतलब के अलग अलग किस्म की ब्रीड है? मैं दिखाता हूँ, ये वाला मुर्गा? हाँ ये मुर्गा, सही सही सही। एक मादी है, ये बीमार है थोड़ी, लेकिन ना चला है बड़ी ज़बरदस्त, इसकी पेंसिल नोक है, पेंसिल इतना इसकी नली है। दिखाएं दिखाएं दिखाएं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी चीज़ है, बड़ी यूनिक चीज़ है, ये बहुत कम यानी कि आजकल मिलती है। इसकी चोरस नली है, ब्राउन टांग है, बिल्कुल जी जी, बिल्कुल 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 सही सही, ये देख सकते हैं आप, ये चोरस नली है, बिल्कुल 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 चोरस नली है इनकी, इसकी इसकी आईज भी बड़ी ज़बरदस्त है, और नोक बड़े बहुत ज़बरदस्त। इस ब्रीड का नाम क्या है वैसे? ये भी सिंधी में शुमार होती है। अच्छा, और एज कितनी है इसकी? इसकी एज है तकरीबन 6 साल है, तकरीबन 6 साल एज है इसकी। अच्छा, अभी ये कुरेद में देखें, कुरेद कर दी है माशाल्लाह, और ये सिर्फ 4 अंडे देती है। अच्छा, 6 महीने तक बच्चे पालती है, 6 से 7 महीने बच्चे लेके करती है, क्रॉस नहीं होती। ज़बरदस्त, चले
अंडा रखे थे तीन, तो एक बच्चा निकला है बत्तख का। अच्छा, तो ये कैसे पला है, मतलब कि ये ऐसे ही कोई बत्तख थी इनक्यूबेटर में रखा, क्या रखा ये इन्हें इस मादी ने, ये इस मादी के नीचे से, ये मतलब ये इसी की माँ खिलाएगी एक किस्म की, ये इसी ने इसको पाला है। अच्छा, ये इसी के साथ भी मैंने जबरदस्त। अब इसको फिर अलग क्यों कर दिया इन दोनों को? ये अब अलग किया, इसको ब्रीडिंग का सीजन आ रहा है तो इसको अलग किया ताकि ये अलग हो जाए इससे, फिर ब्रीड के लिए तैयार। मियाँ वाली की मादी है बेशी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें इसकी आईज देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत, क्या बात है। इसकी नली भी देखें, बिल्कुल छोटी नली है, गोल है। अच्छा, इस ब्रीड का नाम क्या है? ये मियाँ वाली है। मियाँ वाली, ज़बरदस्त। अच्छा, इससे सबसे पुरानी मुर्गी सेटअप पे यही है? सबसे पुरानी है, कम अज़ कम 10 साल इसकी है। नहीं माशाल्लाह खूबसूरत है। और ये मुर्गे के बारे में बताएं? ये मुर्गा मियाँ वाली और लसानी क्रॉस है दोनों। अच्छा, ये फाइटर मुर्गा है, बहुत लड़वाया है बहुत दफ़ा, और इसी मादी भी तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। ठीक 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 ठीक। और ये मैं देख रहा हूँ, ये कोई ज़रा यूनिक चीज़ लग रही है, ये सिंधी है, लंबे लंबे कद के हैं ये ज़रा। हाँ, ये माशाल्लाह हाइब्रिड है, और ये इनको भी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये इसमें मादे कितने नर कितने हैं? एक मादी है, दो नर है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं ज़बरदस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे एक्चुअली इसमें ये वाला बहुत पसंद है, ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये नर हैं बड़े इंच, जब ये परेड पूरी करेंगी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी और खूबसूरत नज़र आएंगे। अभी परेड के लिए इंशाल्लाह 2-3 महीने लग जाएंगे ज़बरदस्त होने में ना। तो ये कितने अरसे में तैयार होता है एक मुर्गा या मुर्गी? कम से कम 7-8 या 10 महीने के बाद जो है ना फुल यानी कि तैयार होते हैं। और अंडे वगैरह कब देते हैं? एक साल लग जाता है इनको मुकम्मल, 1 साल बाद ये ब्रीड के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों के लिए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, खाना पीना और कोई वैक्सीन वगैरह को दवाई शवाई ऐसी बता दें ताकि लोग जो हैं वो अपने जानवरों की केयर कर सकें? सर्दियों में ये है कि पानी को दोपहर के टाइम यूज़ करना चाहिए, और मल्टीविटामिन, अच्छा, एंटीबायोटिक लाजमी यूज़ करनी चाहिए, और बेशक देसी टोटके होते हैं जो हमारे, कोई एक टोटका बता दें जैसे कि उस्ताद हज़रात जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनके हैं टोटके जो देसी लहसुन अदरक वगैरह बड़ी इलायची और ये काली मिर्च, ये मसाले ऐड करके उसमें हल्दी भी ऐड कर देते हैं, तो ये लाजमी इनको महीने में एक दफ़ा देनी चाहिए ताकि इनके हाजमा सही। अच्छा, गर्मी और सर्दी हो? चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, एक दफ़ा। अच्छा, ये वाइट निकलाया, लेकिन बेसिक मेरे पास वाइट है नहीं। अच्छा, मतलब ये हीरा टाइप है जैसे मेरे पास है। हीरा, सही सही सही, ये निकला है इनके अंदर, लेकिन मेरे पास वाइट है नहीं, अल्लाह की तरफ से कुदरती जो है ना वाइट। नहीं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, ऐसा भी होता है मतलब के कलर्स, ये ऐसा क्यों होता है कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं, माँ बाप नहीं जाते हैं? जेनेटिक मसला हो जाता है, बाद में बिल्कुल ब्लैक भी निकल आते हैं। अच्छा सही, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सारे एक ही माँ के बच्चे हैं? सारे एक ही माँ के बच्चे हैं, इनकी माँ ग्राउंड की माँ। अच्छा, ये मुर्गी वहाँ पहुँच गई है। ठीक ठीक ठीक, तो आप देख सकते हैं ये माँ है उन 8-7 बच्चों की। बाप इनका जो है ना, हमने बस वो बीमार हो गया था, मजबूरी में उसको जुगाड़ कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, सही सही, चले ठीक है। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। और ये कौवा, यही है कौवा, ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये कौवा अंडे खाता है, और मैं अपना अंडा भी उठा लूँ। ठीक है, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।